एंड अनु का ग्राफ इतना प्यारा दिया है ना दुर्गेश ने. सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट लाइक दिस इज इट, दिस इज द स्क्रिप्ट व्हिच कैन मेक मी. बिफोर वी प्रोसीड प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू बिंज बडीज. वेलकम वैभव टू बिंज बडीज. आई एम सो एक्साइटेड टू स्पीक विद यू. सेम हियर, सेम हियर. पहली चीज आई वुड लाइक टू आस्क सबसे पहले इज, आप चार लोग और चारों ने इससे पहले कभी काम नहीं किया, एज इन गुल्लक सीरीज से पहले एक साथ कभी किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया. गीतांजलि जी, जमील साहब, हर्ष और आप, यू केम टुगेदर फॉर गुल्लक. कैसे ये केमिस्ट्री, ये बॉन्डिंग कैसे आपने प्रेप किया है, जो ऑन स्क्रीन इट लुक्स लाइक आप सदियों से, आप एक रियल फैमिली हो, आप हमेशा साथ रहते हो ऑफ कैमरा भी, ये कैसे हुआ? यार ये जब हमने ये चीज जो बन रही थी, जब शुरू हो रही थी, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ. जो पहला गुल्लक बन रहा था वो मेरे भाई ने डायरेक्ट किया जी, जो मेरा छोटा भाई है. एंड और उसके दिमाग में कोई और एक्टर था मेरी जगह. ऑलराइट. एंड आई वाज आल्सो नॉट वेरी कीन टू यू नो फॉर दैट स्क्रिप्ट. सो आई से आई आस्क्ड हिम वंस कि भाई ऑडिशन दे दूं, ये कुछ कर रहे हो तुम लोग. He said, yeah, no, I don't think you fit for this role because you look too urban. and I said, अरे हम दोनों तो सेम गांव से हैं यार, हम दोनों तो सेम, at least audition तो ले लो. तो नहीं यार, मेरा मैंने एक play देखा है, उसमें एक actor है जो मुझे बहुत पसंद आया, मैं उसको ही लूंगा इसके लिए. But somehow that audition didn't go well उस actor का. Then he called me, he said, okay चलो तुम्हें try कर लेते हैं. So I read the script for the first time when he when I was about to give the audition. I read it and it felt so real. The dialogues and everything. I was like, "Arre, ye to bahut kareeb hai mere." Right. Ye maine diya hai. Then मैंने audition दिया, फिर हुआ. And then हमारे मुझे पता चला cast क्या है. पूरी cast से मिले हम लोग पहली बार. तो जब workshops हो रही थी हमारी. Okay. तो for the first time we met, me, Harsh, Sunita ma'am, Gitanjali ma'am, and Jameel sir, and the direction team. Yeah. When we all met, no, I don't know what happened. We suddenly connected, and it's like everybody was so genuine to each other. तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ टाइम स्पेंड करना पड़ा एक दूसरे के साथ. एंड सब एज एन आर्टिस्ट बहुत ओपन थे सजेशंस के लिए, अपने पर्सनल चीजों को शेयर करने के लिए, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने के लिए. तो हम लोग वो जो 10 दिन की वर्कशॉप हुई थी फर्स्ट में, उसने हमें यहाँ तक बांध दिया. एंड जब ये फर्स्ट खत्म हो गया, हमने शूट कर लिया और सारी चीजों के, जब सेकंड भी आया, उसके बीच में जो 2 साल का गैप था, तब भी हमने एक दूसरे से वही रिश्ते बनाए रखे. और ये फैमिली नकली नहीं लगनी चाहिए कहीं कहीं से भी, ये ना लगे कि मैं एक्ट कर रहा हूँ या वो एक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक सब इतने ओपन थे स्क्रिप्ट को लेके, सब इतने कनेक्टेड थे स्क्रिप्ट को लेके, कि कहीं पे कोई और तरीका नहीं था इसे बनाने का. गॉट इट, गॉट इट. ये बहुत सही बात की आपने, बिकॉज जमील सर तो नॉर्थ से ही आते हैं, तो आप भी नॉर्थ से हैं, हर्ष भी आई थिंक दिल्ली से ही है, गीतांजलि मैम जो है वो मुंबई से हैं, और उन्होंने जो डायलेक्ट पकड़ा, आई एम श्योर डायलेक्ट कोच होंगे, और आपने जैसे कहा वो बहुत सही है, कहीं से वो नहीं लगती कि वो हिंदी भाषी एक्टर है या हिंदी भाषी औरत नहीं है. दैट इज सो वेल डन. मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है. मम्मी ने बहुत मेहनत की है. फर्स्ट सीजन में आई रिमेम्बर, क्योंकि हम लोग सब उधर से बिलोंग करते हैं, सो टू गेट द एक्सेंट वाज वेरी, इट वाज नॉट टफ फॉर मी, एग्जैक्ट फॉर हर. एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब. लाइक आई स्टिल रिमेम्बर दैट जितने दिन भी शूट हुआ, शी मेड श्योर दैट शी इज नॉट स्पीकिंग इन मराठी, बिकॉज हर मराठी इज सो स्ट्रॉन्ग. यस यस यस. एंड उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की. एंड बहुत कमाल का रिस्पॉन्स, बहुत प्यारा काम किया यार. उनको देख के माँ की याद आ जाती है. जब माँ गुस्सा होती है तो वही आंखें होती हैं, वही फ्रस्ट्रेशन होता है उनका. इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ब्यूटिफुल. आपने मेंशन किया 10 दिन का वर्कशॉप हुआ. वुड यू लाइक टू जस्ट गो स्लाइटली इनटू एंड हेल्प अस एंड ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या होता है ये वर्कशॉप में, जितने भी दिन का हो, क्या कंडक्ट किया जाता है, जिससे चार अलग जगह से आए हुए लोग जो एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले, और सडनली उस वर्कशॉप के बाद दे कम आउट एज अ फैमिली, ये मैजिक क्या है? द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ वेब सीरीज और फिल्म और एनीथिंग
know each other mm-hmm. first and then go for the for shooting and everything. Right. Because and it also depends on the script because this script demands that coordination, that emotional bonding. So for that, we hired a teacher. His name is Sashi Bhushan for Gullak season one, and we took our workshop for 10 days. Okay. And in those 10 days, he made sure that we talk to each other, right. Okay. We behave like a family, we spend time together, we do exercises, we just talk, we just spend time with each other. Okay. So the main motive was to spend time. Suppose as Annu, I wanted to do something else, but the director was not happy the way I was doing. Yeah. So I can discuss those things in the workshop rather than on the set because that will be very costly for them. right. बिल्कुल. कितना similarity है वैभव राज गुप्ता और अन्नू इस character में? जब आप उस अन्नू को character में पढ़ते हैं और आप वैभव राज गुप्ता आप खुद को जितना जानते हैं कितना similar हैं आप दोनों? यार मैं कहूँगा देखो अन्नू मेरी life से बहुत करीब रहा है क्योंकि मैं खुद ही एक middle class family से belong करता हूँ. खुद एक बड़ा भाई रह चुका हूँ अपनी family में और मेरा एक छोटा भाई है बस. मम्मी पापा ज्वाइंट फैमिली है हमारी. और हमारे साइड में बहुत अन्नू देखे हैं मैं. Okay. तो जब मुझे सिनेमा मेरी लाइफ में आया, जब थिएटर मेरी लाइफ में आया, तो मैंने चीजें देखना शुरू की, समझना शुरू की. तो मैं हमेशा एक ही चीज मिस करता था कि ये जो काम यहाँ पे कर रहे हैं या यूपी और बिहारी की जो लैंग्वेज है ना, ये मुझे खटकती थी बहुत. Okay. ये नहीं है यार. हाँ. ये लैंग्वेज ये पूरा क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? स्टीरियोटाइप कर दिया है बहुत ज्यादा. हाँ, ये मतलब यूपी वाला बिहारी बोल रहा है, बिहारी यूपी, ये क्या है? Right. So I always wanted to, I was craving for something like that, that if I get a chance to perform a UP guy or I will perform the way I have lived my life. Mm-hmm. I have performed, and this Annu is very personal to me because ye main dekh chuka hu, ye main jeet chuka hu, ye mera bachpan hai. Right. So aap keh sakte ho ki Annu aur Vaibhav mein bas rang roop change hua hai, emotion same hai. आपने मेंशन किया आपके छोटे भाई अमृत राज गुप्ता हु वाज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ सीजन वन. ऑफ कोर्स ही इज डन ऑपरेशन एमबीबीएस एंड अदर वर्क्स. ही इज इनटू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म एक्सेट्रा. नाउ टेल मी वन थिंग, हैविंग योर ओन ब्रदर, वाज इट इजी या वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू कि अरे मैं खुद को पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगा? कुछ खशमगश थी आपके बीच कि ये आसान हो जाएगा मेरे लिए या ये मुश्किल होने वाला है? It was not easy for me because I had to prove because you know, because when you work with your brother and he is directing, people think that you know he has taken you, right? And nepotism bol diya. Ha 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 ha. Bilkul. So it was not easy for me and I had to make sure ki usko kabhi ye nahi rakhna chahiye ki you know ki main easy le raha hu. Huh. And let me share this experience, what happened after Gullak, when we finished shooting Gullak. So we connected so well. Right. Like till now, we share the same connection. Before Gullak, we were very busy with our respective life. Yeah. I was doing my own things, he was busy with his own things, and we were like, tum apna karo, main apna karo. So we were staying together. So after Gullak, the way we connected, no, I cannot tell you that. So I think all credit goes to Gullak. Like I found my brother again. Second jo season humne shoot kiya tha, jo Palash ne direct kiya aur bahut khoobsurti se direct kiya, usme ye hua tha ki aur jahan pe mera aur Palash ka thoda sa ek discussion ho gaya tha ek scene ko leke. Okay. I was not agreeing the way he wanted that scene. Okay. Though we had done our workshops and everything. Uh-huh. But we discussed everything for like 2 or 3 hours. Okay. And we shot that scene, we discussed again, and we shot it again because we were not on the same page. Right. So sometimes it happens. Nice. But I'm grateful to Palash because he has given me another chance, another day to shoot that scene. Do you remember fondly? Would you like to share? क्या exactly scene था ये जो आप same page पे नहीं थे Palash के साथ? ये पहला episode का जो scene है जब मैं वो पतंग कटती है जो पहला बोलता हूँ फोन पे होता हूँ और उसका एंडिंग 5th एपिसोड पे तो मैंने जो सोचा था पलाश ने जो सोचा था हम दोनों उस पे थे लेकिन जो
क्या हुआ था, मेरा उस दिन गैप था, मेरा उस दिन शूट नहीं था, बट आई वॉज ऑन द सेट चिलिंग. तो ही सेड यार मेरे पास टाइम बच रहा है, ये सीन लगा दे क्या. मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ लगा देते हैं. पर कभी कभी क्या होता है आप उस माइंड सेट से आए नहीं हो, राइट, आप कुछ और करने आए. हाँ. तो मैंने तो बोल दिया हाँ कर लेते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा था जो मैं सोच के आया. जैसा चाहिए आप. पलाश को था कि मुझे मिल गया है, बट मुझे था कि मुझे पता है कि मैं 80% दे पा रहा हूँ, 20% रह गया. हमारा काफी डिस्कशन हुआ उस पे, एंड फिर पलाश ने मुझे लास्ट डे पे वो सीन फिर से कराया. जो सीजन 2 का एपिसोड 5 जो लास्ट एपिसोड है, उसमें जो आखिरी सीन है फैमिली फोटो का, और क्योंकि अनु आपके कैरेक्टर ने माँ बाप को एक चीज गुस्से में बोल दी है, एंड बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मन ही मन में, और आप नजरें नहीं मिला पा रहे, वो इतना इमोशनल सीन था. एंड इट वॉज पर्सनली आई फील वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था आपके ऊपर, आप कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं. बिकॉज अगर आप वो आंख चुराना, वो आंसू आना, वो फूट फूट के रोना, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? यार वो सीन एक्चुअली जब मैंने सेकेंड सीजन की स्क्रिप्ट आई थी ना, तो फॉर मी इट्स माय सेकेंड एपिसोड, नॉट सेकेंड सीजन फर्स्ट एपिसोड. राइट. ओके. आई हैव क्रिएटेड अ बैक स्टोरी, लाइक ये जो गैप आया है मिश्रा फैमिली में 2 साल का, इसमें अन्नू ने क्या किया. एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, जो पहला सीन ही है ना, वो मंदिर में घंटा बजा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो काफी जर्नी बनाई थी मैंने, काफी बैक स्टोरी प्रिपेयर की थी माइंड में कि अच्छा इसने ये किया होगा, अच्छा लकी ने ये करा होगा, एंड देन उसकी पर्सनल जो जर्नी गई हो. एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग, इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज देयर वाज नो डायलॉग, आई हैव टू पोर्ट्रे एवरीथिंग थ्रू माय आईज, राइट, एंड इट शुड लुक वेरी वेरी रियल. कहीं पे भी कोई फेक इमोशन नहीं होना चाहिए था. बिल्कुल. There are so many examples. One I want to share that when I came to Mumbai, mm-hmm. and it was my first birthday mm-hmm. after coming to Bombay, mm-hmm. and everyone wished me. Sabne wish kiya, aur I was waiting for a call from my father. He didn't call till 12 ke baad. Aur hamare wahan 12 baje wala rule nahi, 12 baje so jaate hain. Ho jaate hain. Next day aata hai. So next day bhi nahi aaya. रात को उनका, रात को कुछ 9-10 बजे के बाद आया, और मैं पहला साल था, मैं पहली बार घर से बाहर आया था, और मिस करता था, मैं फैमिली के अलावा कहीं रहा नहीं था. राइट राइट. और तो मुझे याद है वो कि मैं लेटा हुआ था, पापा का कॉल आया, उन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला, और पता नहीं क्या मैं रोया हूँ, जो काफी खतरनाक हुआ. मेरे फादर मुझे छोड़ने आए थे लखनऊ ट्रेन से, तो जैसे उन्होंने हाथ रखा था, आप से नहीं हो पाता, मतलब आपका बाप अगर आपके सामने इमोशनल हो गया एक बार भी, बिल्कुल, तो और मेरे पापा मेरे सामने कई बार इमोशनल हुए. ये स्क्रिप्ट इतनी पर्सनल है ना यार, मैं कैसे बताऊं कि इसमें अगर मैं एक्टिंग कर देता ना कहीं पे, तो ये रह नहीं जाता कुछ. तो वहां पे मुझे कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने हाथ रखा, मेरा खुद से हो गया, और मैं उनको अभी भी पापा ही बोलता हूँ, मैं मम्मी को मम्मी बोलता हूँ. तो वो ना सब एक्टर्स का प्रोसेस होता है, वो कैसे डील करता है. तो मैं जब भी मेरे पास काम आता है, जैसे गुल्लक आ रही थी, तो मैंने जब पढ़ा पाचू, मुझे पता था मुझे कैसे सबके साथ रहना है. तो मेरी मम्मी की बॉन्डिंग ऑफ कैमरा कैसी है, मेरी अमन की बॉन्डिंग थ्रू आउट 5 एपिसोड में जो है, वो अभी तक सेट को नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं. कभी हम लड़ जाते थे, कभी हमारी काफी गंदी लड़ाई होती थी, क्योंकि एपिसोड में वो सीन वहां पे होने वाला है. तो हम लोग भी अपना ना ये सेल्फिश तरीके से काम करते रहते हैं, बिकॉज़ इट्स हेल्पिंग अस, स्पेशली मी. सो दिस इज माय प्रोसेस टू यू नो गेट इनटू अ सीन. इट केम आउट सो ब्यूटीफुल, मतलब आई विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि वो क्या फील किया बिना एक शब्द बोले. वो फीलिंग पहुंच जाती है आपको देखते वक्त यार. और आपने वो सही बोला एक जगह इंटरव्यू में कि सम हाउ इंडियन फादर्स में मेजोरिटी में वो टच करने वाला सीन नहीं है यार. और एक चीज और भी थी ना कि उस सीन से पहले एक और सीन था जिसमें मैं अमन को हग करता हूँ. हाँ. और कि अब ये भी मेरे लिए चैलेंजिंग वो था कि अभी मैं इमोशनल सीन करके आया हूँ. राइट. एंड कट टू फिर एक इमोशनल सीन है जहाँ पे रोना है. तो एक चैलेंज और मेरे मेरे साथ ये था कि मुझे सिर्फ रोना नहीं है,
राइट तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था, आई थिंक इन सब चीजों को हटा के सबसे बड़ा चैलेंज यही था इस सीन के लिए कि मुझे कहीं पे ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि अभी रोया और फिर रो ही रहा है। इट हैज टू कम, वो जो जो उसने बोला था अपने बाप को उसका गिल्ट yes. और वो रोना yes. वो वहां से आना चाहिए। तो it's beautiful, you've done it, you mastered it, I must say. गुल्लक ए सीरीज है ना, वो रुकना नहीं चाहिए, वो 15-16 हर साल आना ही चाहिए। hopefully ऐसा होगा। आप सब चारों कलाकार इतने ज्यादा इमोशंस डिस्प्ले हुए हैं और एक जगह आपने बोला भी कि सब सब भरे बैठे हैं एक जगह, जमील साहब ने भी बोला, तो ये क्या है, ये इज इट जस्ट द फोर ऑफ यू, इतना इमोशंस कैसे है? यार सिर्फ हम चार नहीं, हम आई थिंक हमारा पूरा सेट रोता था जब हम लोग, हमारा कभी भी ऐसा कुछ होता था ना हम सब रो रहे होते थे क्योंकि लिखा इतना प्यारा है ना। हाँ, मुझे याद है जब मैं पहली बार भी पढ़ रहा था, जितनी बार भी मैंने अनु अमन का वाला सीन पढ़ा है ना, हाँ, मैं पढ़ते पढ़ते रो दिया था। क्या तो मतलब वो राइटर को पूरा जाता है कि उसने इतना सुपर लिख दिया है, वो बहुत कमाल का लिखा है यार। मैं अभी भी जब मैं खुद गुल्लक को 4 या 5 बार देख लेता हूँ, देख चुका हूँ, और जब मैं 5वें 4वें एपिसोड पे आता हूँ ना, मैं खुद रो देता हूँ। और वो मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ किसी की या मैं अपनी है वो, बट वो होता है ना कि एग्जैक्टली आप वही फील कर रहे होते हो और मैं एज एन ऑडियंस देखता हूँ, और आप अनु को देख रहे होते हो, अमन को देख रहे होते हो, फादर को देखते हो, मम्मी को देखते हो, बोलते हो ये क्या हो रहा है यार, ये बहुत पेनफुल है। ये अक्रॉस जितने एपिसोड सीजन 1 सीजन 2 मिला के जितने चपेटे मारी गई हैं, एक दिगे लात गुस्से भी हुए हैं, ये सब रियल है या थोड़ा सा डिस्टेंस रख के सेफली किया गया था? सब सब रियल है। कुछ भी, क्योंकि क्योंकि यही होता था ना, यही होता है मतलब। और अगर उसमें भी हम एक्शन डायरेक्टर को रख के और वो बनावटी कर देते ना तो नहीं आता। मतलब ये तो वैसा था कि मुझे याद है वो लड़ाई वाला सीन जब अमृत ने बोला कि ये लड़ाई वाला सीन है, हम लोगों ने कुछ नहीं पूछा, हम लोगों ने खुद ही इंप्रोवाइज करके मारा पीटी कर डाली। तो कितना खेला है बचपन में WWE ये वो। एक चीज जो आपने सीखी हो आपके गांव बेनीगंज में, और एक चीज जो वन लेसन यू लर्न मुंबई आने के बाद जो आपके दिल के करीब है कि ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा कुछ? यार मैं ये देखो मेरे बाबा हैं, वो जो फोटो दिख रही है आपको शायद, हाँ, वो जी वो आर्टिस्ट हैं, ये सारे घर में जो पेंटिंग लगी है ना ये उन्होंने बनाई है। okay. तो जब मैं छोटा था ना तो वो मुझे ऐसे दिखाते थे अपना बक्सा खोल के, और तो okay. मैं बहुत छोटा था, हाँ. तो हम बस देख लेते थे कि हाँ पेंटिंग है। जो मैंने ऑब्जर्व किया उनसे और जो आपका क्वेश्चन था, मैं बस ये बोलूंगा कि वो बहुत पंक्चुअल इंसान थे। ही वाज वेरी पंक्चुअल अबाउट अबाउट व्हाट ही इज ईटिंग, व्हाट टाइम ही इज वेकिंग अप, एवरीथिंग, एंड अबाउट क्लीनिनेस। तो मैंने उनसे एक बार ये वो झाड़ू लगाते थे अपने क्लिनिक के बाहर, वो डॉक्टर भी थे, तो मैं देखता था कि उनकी स्टाइल थी एक झाड़ू लगाने बहुत प्यारी थी, बहुत मतलब कोई भी देखेगा तो बोलेगा यार ये कुछ अलग सा हो रहा है, छोटी सी चीज हो रही है बट ये बहुत अलग सी इंटरेस्टिंग। तो मैंने उनसे पूछा था कि मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्या स्टाइल है ये, ऐसे की ऐसा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट आप जो भी काम करो आपके जैसा कोई ना करता। आप जो भी काम करो, लाइक अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो ना तो वो इतना सुपर लगाओ ना कि फिर तुम्हारे जैसा कोई लगा नहीं पाए। तो वो बात में कहीं ना कहीं रह गई मेरे ना, एंड बॉम्बे ने मुझे पेशेंस सिखा दिया है। बॉम्बे ने, बॉम्बे मेरी यूनिवर्सिटी है, इसने मुझे मुझे मेरे मेरे बारे में समझाया, मुझे वेपन से मिलाया, बॉम्बे ने मुझे आर्टिस्ट बनाया बेसिकली, मैं ये बोल रहा हूँ। लेट्स प्ले अ क्विक गेम इफ यू डोंट माइंड। Yes. मैं कुछ आपके को एक्टर्स और कोलीग्स का नाम लूंगा, इन वॉट एवर द फर्स्ट वर्ड और टू वर्ड्स विच कम टू योर माइंड, ठीक है? तो शुरू करते हैं आपके ऑन स्क्रीन भाई अमन हर्ष मायर। शैतान शैतान है वो, काफी खतरनाक है वो। नेक्स्ट वुड बी जमील खान सर। पापा पापा आई थिंक rather than papa, he's a very good friend of mine. Mm-hmm. On set, हम इस बार हमने काफी चीजें लाइफ के बारे में डिस्कस की जो फर्स्ट सीजन में नहीं हुई, काफी टाइम स्पेंड किया हमने एक साथ। पापा इज माई वेरी डियर फ्रेंड। लवली।
आपके नेक्स्ट वुड बी ऑन स्क्रीन मम्मी गीतांजलि जी. मम्मी इज मम्मी का थोड़ा वैसा है कि मम्मी काफी चिल है लाइफ में और ऑफ कैमरा काफी मतलब बच्चे नहीं होते हैं जैसे वैसी है. तो मेरी और मम्मी की हमारी बॉन्डिंग भी रियल में भी ऐसी कि हम ज्यादा नहीं बात करते हैं. Okay. बहुत कम बात करते हैं. हाँ. और जो गुल्लक में भी है कि ज्यादा मुद्दे की बात होती है, लड़ाई होती है. हाँ, मुद्दे की बात होती है. आई थिंक वो मम्मी है मेरे लिए. आपके भाई अमृत राजगुप्ता. ही इज माय एवरीथिंग यार. ही इज माय सपोर्ट सिस्टम. ही इज माय बैकबोन. एंड लास्टली इट वुड बी पलाश. आई फाउंड अ वेरी गुड डायरेक्टर इन हिम. आई मीन अ फ्रेंड आल्सो. एंड द वे ही हैज डायरेक्टेड गुल्लक टू is mind blowing. Like, I'm so happy that Palash has done Gullak too. आप believe नहीं करोगे हमने जिस time पे shoot किया वो covid time चल रहा था. Yes, yes. Palash ने इतनी मेहनत की है कि मतलब वो दिखता नहीं है किसी को. Yeah. और हमें पता है कि हमने कैसे क्या बुखार में दवाइयाँ खा खा के oh yeah, that guy has I think more than us. He has given his 500% to Gullak too, and that's why Gullak too is Gullak too. हिंदी में बोला जाए तो वो प्यासा मुझे बहुत पसंद है. अभी मैं व्हाइट टाइगर देख रहा था, मुझे अच्छी लगी द व्हाइट टाइगर. तो ये तीन बोल सकते हैं. आपके फेवरेट थ्री टीवी या वेब सीरीज. पाताल लोग मुझे बहुत पसंद है. स्कैम मुझे बहुत अच्छी लगी. गुल्लक टू मुझे बहुत. Fantastic. And three things you can't live without. Me time. Coffee. And books. ये तीन चीजें मैं नहीं रख सकता. क्या बात है. And lastly, three things you would like all other people to know about you. That I am an introvert. Okay. And that I wake up 5:30 every morning. Wow. And that I don't have too many friends. I don't believe in. I mean, I don't have that kind of energy too. Yeah. Those close to me. Great, so, great. Thank you so much for this. Where can we see you next? Are there any upcoming projects lined up you can share at the moment? Yeah, I'm doing a web series for Netflix right now, shooting. Oh. For it. It's a very good web series. It's directed by Atul Mongia and Anshay. Nice. So, let's see. Ye aa jayegi is saal. So, dekhte hain kya hota hai. Fantastic. Is this the one jiska naam Mai hai? Mai. Kya baat hai. Fantastic. We wish you all the very best for your Thank next you. Upcoming web series. But thank you so much for calling me and it's completely, a pleasure talking to you. बहुत प्यारा लगा आपसे बात करके. Literally हमें भी बहुत मजा आया. Thank you so much. Bye. Bye.